हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि 11, 12 या किसी भी क्लास के लिए प्रोजेक्ट या एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए देखते हैं सर्टिफिकेट कैसे लिखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो देखिए, जैसे ऊपर पहले हमने हेडिंग डाल दिया सर्टिफिकेट, फिर नीचे लिखेंगे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। उसके बाद जो डैश है उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, फिर ऑफ क्लास डैश उसमें आप अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे, फिर सेशन डैश उसमें आप जिस भी ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर ये 2021 है तो 2021 लिखेंगे, 2022 है 2022 लिखेंगे, इस टाइप से, मतलब 2020 फिर डैश 21 या 2021-2022 इस टाइप से, ठीक है। फिर प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड के बाद लिखेंगे आपके जो भी प्रोजेक्ट में टॉपिक का नाम है वो लिखेंगे, फिर अंडर माई जनरल सुपरविजन फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डैश TH क्लास। इसमें 10th है तो 10th, 11th है तो 11th, 12th है तो 12th क्लास प्रोजेक्ट कम्प्लीशन। फिर नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करेंगे, आप चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं या दो लाइन छोड़ सकते हैं। द कंटेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ओरिजिनल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, हीज और हर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट शोन इन कम्प्लीशन ऑफ हीज और हर स्टडी इज हाईली अप्रिशिएबल। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखना ख़त्म हो जाता है। फिर राइट साइड में नीचे आपके जो भी टीचर है, PGT है या TGT है, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ऊपर स्पेस छोड़ना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे टीचर करेंगे साइन, ठीक है। तो आप ऐसे ही सर्टिफिकेट लिखना कंप्लीट करेंगे। अगर चाहे तो आप इस पेज को डेकोरेट कर सकते हैं, बट अगर आप ऑफिशियल रखना चाहते हैं तो ऐसे ही लिख लीजिए ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से या जेल पेन से। फिर चारों साइड से एक बॉक्स बना दीजिए, मतलब चार लाइन खींच कर कि हाँ इसी के अंदर आपका सर्टिफिकेट है। अब वो ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है तो आप सिंपल रख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं एक्नॉलेजमेंट की तरफ, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट तो इसमें भी वैसा ही है, तो लिखेंगे कि देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड वन एक्सप्रेसेस टू अदर्स फॉर द हेल्पफुल एंड नीडी सर्विस दे रेंडर ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। आई हैव कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज, आई विश टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल ऑफ देम। फिर वही एक या दो लाइन छोड़कर आप नेक्स्ट पैरा स्टार्ट कर सकते हैं। गाइज, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करेंगे। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू एक्सप्रेस माई डीप रिगार्ड्स एंड सिंसियर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू माई डैश टीचर। अब डैश में वही होगा, आपके फिजिक्स टीचर है या केमिस्ट्री टीचर है या बायो टीचर है, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि डैश टीचर, जैसे फिजिक्स टीचर या केमिस्ट्री टीचर, इस टाइप से। फॉर हिज और हर वैल्यूएबल गाइडेंस थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फिर से आप एक लाइन या दो लाइन छोड़ के लिखेंगे थैंक यू सर या मैम, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं तो उनको थैंक यू फॉर योर एबल एंड वर्दी गाइडेंस। बस इतना ही है सर्टिफिकेट में। वो आपने सर्टिफिकेट एक्चुअली वो टीचर को लिखना चाहिए, बट आप लिख के देते हैं तो टीचर साइन कर लेते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट में वही है कि आप सबको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की हेल्प के लिए, तो इसीलिए हम एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लेना, ज़्यादा डेकोरेशन या कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिखो तो भी अच्छे से चल जाएगा, मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप सिंपल लिखोगे तो वो
ऑफिशियल उसके तरह फॉर्मल की तरह लगेगा। ठीक है, थैंक यू।